हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से जियोनबुक होंडाई मोटर्स और सुओन सैमसंग के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं कोरियन लीग की जो पॉइंट्स टेबल वहां पर, तो सबसे पहले नजर डालते हैं जियोनबुक होंडाई मोटर्स इस लीग में सेकंड पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें सुओन सैमसंग इस लीग में सिक्स्थ पोजीशन पर है। तो गाइस जियोनबुक होंडाई मोटर्स ने इस लीग में 28 मैच खेले जिनमें से 14 मैच इस टीम ने विन किए और 9 मैच ड्रॉ भी खेले और 5 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 50 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम ने 29 गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस 28 मैच में 50 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 1.7 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 28 मैच में 29 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 2 और कभी कभी एक हल्की टीम के सामने 1 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में 1 गोल कंसीड करती है। अब गाइस बात करें सुओन सैमसंग इस लीग में 28 मैच खेल चुके जिनमें से 9 मैच इस टीम ने विन किए और 9 मैच ड्रॉ भी खेले और 10 मैच इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 35 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी इस टीम ने 35 ही गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस 28 मैच में 35 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 1.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इसने 28 मैच में 35 ही गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका डिफेंसिव वाइज जो परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तो 2 गोल भी पर मैच कंसीड कर देती है। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों में से किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चले। तो गाइस मैं यहां से जियोनबुक होंडाई मोटर्स को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज काफी बेहतरीन देखने को मिलता है पॉइंट्स टेबल के अनुसार, इसीलिए मैं यहां से जियोनबुक को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइज हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहाँ से क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए जिनमें से जियोनबुक होंडाई मोटर्स ने 4 मैच विन किए हैं और एक ही मैच इस टीम के सामने लॉस किया है, बल्कि अटैकिंग वाइज 2 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस जियोनबुक होंडाई मोटर्स जब सुओन सैमसंग के सामने खेल रहे थे तो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 और डिफेंसिव वाइज कहने के 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड कर देती है। तो गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो उस मैच को यहाँ से सुओन सैमसंग 3-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज सुओन सैमसंग ने 3 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने 1 गोल कंसीड किया, और उससे पिछले सारे के सारे मैच आप यहां से देख सकते हो जियोनबुक होंडाई मोटर्स ने विन किए हैं। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर किया और डिफेंसिव वाइज आप मान सकते हो इस टीम के सामने पिछले 3 मैच में 1 गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस इस टीम का काफी अच्छा देखने को मिला अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। तो हेड टू हेड में यहां से जियोनबुक होंडाई मोटर्स एक क्लियर कट फेवरेट टीम निकलकर आती है। लेकिन गाइज अब हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो हेड टू हेड में तो यहाँ से जियोनबुक होंडाई मोटर्स एक फेवरेट टीम निकल कर आती है। तो गाइज जियोनबुक होंडाई मोटर्स करंटली 6 मैच खेल चुकी है जिनमें से 3 मैच विन किए, 2 मैच ड्रॉ भी खेले और 1 मैच इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर लॉस भी किया। अटैकिंग वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया, मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी देख हल्की टीम के सामने
दो गोल पर मैच स्कोर करती है और डिफेंसिव एक बेहतर टीम के सामने पर मैच में एक गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने तो ये टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच जियोन बुक होंडाई मोटर्स 1-1 से ड्रॉ खेलकर आ रही है, अटैकिंग वाइज इस टीम ने एक गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज एक गोल कंसीड किया और बाद में वो मैच इस टीम ने पेनल्टी में 4-2 से मैच को विन कर लिया और बीजी पाथोम जो कि एप्स चैंपियनशिप लीग में ये मैच हुआ था और उसे मुकाबला उल्शन होंडाई मोटर्स के सामने ये टीम 0-0 से ड्रॉ खेलकर आ रही, अटैकिंग वाइज गोल नहीं किया बल्कि डिफेंसिव वाइज मैच को ड्रॉ खेला। अगर गाइज आपको याद हो जियोन बुक होंडाई मोटर्स और बीजी पाथोम यूनाइटेड का मैच हमने खेला था और इसमें हमने इजीली विन भी किया था अगर आपको याद हो, और पिछले दो दिन की बात है, उससे पहले ये मैच हमने आराम से विन किया था। लेकिन उससे पहले मुकाबला जियोन बुक होंडाई मोटर्स यहाँ से एफसी सियोल के सामने 4-3 से विन कर गए, अटैकिंग वाइज 4 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज 3 गोल कंसीड किए और उसे भी मुकाबला पोहांग सेटलर्स के सामने टीम 1-0 से लॉस और उसे भी मुकाबला 2-2 से मैच को ड्रॉ खेला और उसे भी मुकाबले टीम 2-0 से विन कर गई। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर करती है और डिफेंसिव वाइज बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने तो ये टीम गोल कंसीड भी नहीं करती। तो परफॉर्मेंस यहाँ से जियोन बुक होंडाई मोटर्स की ओर से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है रीसेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करें सुवोन सैमसंग का जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली उसके बारे में, तो गाइस सुवोन सैमसंग रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से अभी तक एक भी मैच विन नहीं किया बल्कि 2 मैच ड्रॉ खेले, 4 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। तो परफॉर्मेंस काफी डाउन है, अटैकिंग वाइज 0.7 गोल पर मैच स्कोर लेकिन डिफेंसिव वाइज 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड, मतलब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो 0.7 का मतलब ये टीम प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल कर पाती, वो भी एक हल्की टीम के सामने, एक बेहतर टीम के सामने थी टीम जल्दी से गोल भी नहीं कर पाती लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच सोन सैमसंग गवांगजू एफसी के सामने 2-2 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही, अटैकिंग वाइज 2 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज भी इस टीम ने 2 गोल कंसीड किया और उससे भी मुकाबले पोहांग सेटलर्स के सामने टीम 0-0 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही, जो कि अटैकिंग वाइज गोल नहीं किया बल्कि डिफेंसिव वाइज मैच को ड्रॉ खेला और उससे पिछले 4 मैच इस टीम ने खेले और 2 मैच ऐसे लॉस किए इस टीम ने जिनमें गोल नहीं किया बल्कि 2 मैच इस टीम ने ऐसे खेले जिनमें गोल कंसीड किया बल्कि अटैकिंग वाइज सिर्फ एक एक ही गोल किया। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, अटैकिंग वाइज काफी डाउन है और डिफेंसिव वाइज तो ये टीम प्रत्येक मैच में गोल कंसीड ही कर देती है। तो गाइस अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस के बारे में नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रीसेंट फॉर्म, सॉरी गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइस इन तीनों चीजों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग क्लियर कट फेवरेट टीम यहाँ से जियोन बुक होंडाई मोटर्स निकल कर आती है, ना कि सुवोन सैमसंग, और हेड टू हेड में भी यहाँ से जियोन बुक होंडाई मोटर्स प्रत्येक मैच में इस टीम के सामने 2 गोल स्कोर करती है और डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड करती है, वो भी कभी कभी करती है लेकिन प्रत्येक मैच में वो भी गोल कंसीड नहीं करती। तो हेड टू हेड में भी यहाँ से जियोन बुक होंडाई मोटर्स एक क्लियर कट फेवरेट टीम निकल कर आती है। रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी यहाँ से जियोन बुक होंडाई मोटर्स प्रत्येक मैच में गोल करती है लेकिन डिफेंसिव जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती है। और सुवोन सैमसंग का जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली अटैकिंग वाइज प्रत्येक गोल मैच में गोल नहीं करती बल्कि डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस यहाँ से तीनों फॉर्मेट में आप देख सकते हो यहाँ से जियोन बुक होंडाई मोटर्स एक क्लियर कट फेवरेट टीम निकल कर आती है। तो गाइज इसी के फेवर में हमें अपनी ड्रीवेलों की प्रेडिक्शन देनी चाहिए, मतलब इस मैच की प्रेडिक्शन देनी चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में कम से कम जियोन बुक होंडाई मोटर्स को 2 या 3 गोल स्कोर करना चाहिए, क्योंकि 2 गोल क्यों, क्योंकि इसका जो स्कोरिंग एवरेज है गोल कंसीड करने का वो 2 गोल ही है। तो इसलिए अपना स्कोरलाइन प्रेडिक्शन इस मैच का, मतलब आप यहां से मान सकते हो 2 गोल जियोन बुक होंडाई मोटर्स और 0 गोल यहां से सुवोन सैमसंग। तो इसलिए अपना स्कोरलाइन प्रेडिक्शन 2-0 रहने वाला और 2-0 प्रेडिक्शन का अनुसार ही हम अपनी ड्रीम इलेवन की टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन पर। और यह आपको मैच ना 3-0 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो काफ़ी पाक, मतलब आप यहां से देख सकते हो इसका जो रिसेंट फॉर्म है वो डिफेंसिव वाइज काफ़ी डाउन है, तो उस कंडीशन में आपको 3-0 या 2-0 भी मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारी जो ड्रीम इलेवन टीम रहेगी 2-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार बनेगी, 2-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच में टीम रहेगी वो बनाने वाले हैं ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जियोन बुक होंडाई मोटर्स के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे सुवोन सैमसंग के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं जियोन बुक होंडाई मोटर्स के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मतलब फुल स्टेट प्लस इन्फो आपके लिए इस वीडियो को अंदर लाते रहते हैं। तो गाइज आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो इस YouTube चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद। और हाँ एक बात याद रहे, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जीवन बुक होंडाई मोटर्स के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस जीवन बुक होंडाई मोटर्स टीम तरफ से कोरियन लीग में जो हाईएस्ट गोल टेकर सटानिस लव जुटसेंको, जो कि इस टीम की तरफ से 12 गोल कर चुका और 3 गोल पेनल्टी में कर चुका, तो यहां से पता चलता है कि इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी कर भी है और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी है, तो इसलिए अपनी टीम का फिलहाल के लिए कैप्टन का रोल में रहेगा। वहीं पर बात करें सेकेंड हाईएस्ट गोल टेकर टीम तरफ से गुस्टावो, जो कि इस टीम की तरफ से 11 गोल कर चुका, तो ये भी हमारी टीम में पिक रहेगा और इन्हें हम अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना के चलेंगे। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है दोनों प्लेयर का एफसी चैंपियनशिप लीग में भी और कोरियन लीग में भी। और वहीं पर बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से आपको देखने को मिलेगा क्यू वोन हा, जो कि 8 गोल कर चुका, लेकिन ये भी आपको सेंटर फॉरवर्ड में देखने को मिलेगा ड्रीम इलेवन पर। अगर आप इन तीनों को पिक करते हो तो फिर आपके पास और प्लेयर को पिक करने के लिए जगह बाकी नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं अभी के लिए इसको ड्रॉप करके चला हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, समोल लीग में खुद रिस्क लेके इसको पिक करके चल सकते हो। वहीं पर बात करें श्योंग के लिए, जो कि 4 गोल कर चुका है, असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता और डिफेंसिव पॉइंट भी देता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप इन्हें ट्राई करके चल सकते हो। टाका हीरो कोनीमोटो, जो कि 3 गोल कर चुका, और यहाँ से मोडो बोरो, जो कि 3 गोल कर चुका, 8 मैच में इस प्लेयर का 3 गोल और 2 असिस्ट है फिलहाल के टाइम पर, और एफसी चैंपियनशिप लीग में इसने 6 गोल किए थे और 2 असिस्ट किए थे, तो परफॉर्मेंस इस प्लेयर का काफ़ी बेहतरीन रहता है। अगर ये स्टार्ट करेगा तो इसे हम टीम में एज ए वाइस कैप्टन के तौर पर पिक करके चल सकते हैं। वहीं पर बात करें हायुक किम मिन, मतलब इसका नाम ड्रीम पर देखने को मिलेगा किम मिन हायुक, तो नाम अजीब देखने को मिलेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि इन प्लेयर्स का नाम थोड़ा सा आपको अजीब देखने को मिलेंगे ड्रीम इलेवन पर, तो इसलिए आप कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यहाँ से सटानिस लव अगर खेलेगा, गुस्टावो इंपॉर्टेंट, क्यू वन हो आपको ट्राई करना, इन तीन में से आपके पास तीनों चॉइस हैं, आप किन तीनों को पिक करते हो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन मैं यहाँ से टॉप टू को पिक करूंगा, यहाँ के क्यू वन हा को ड्रॉप करूंगा, और यहाँ सियोंग ली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मोडो बारो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। हाँ तो गाइस असिस्ट के मामले में यहाँ से बो कयंग किम 8 असिस्ट कर चुका, 2 गोल कर चुका, असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है, डिफेंसिव पॉइंट देता है, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वहीं पर बात करें गुस्टावो, जो कि 11 गोल और 5 असिस्ट, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन का। वहीं पर बात करें सटानिस लव जुटसेंको, जो कि 12 गोल 4 असिस्ट, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सियोंग किली, इसने 4 गोल 4 असिस्ट किए, और यहाँ टाका हीरो कोनीमोटो, जो कि 3 गोल और 2 असिस्ट कर चुका है। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट लेना, जिन पर राइट का टिक लगा हुआ और रहने आप टीम में पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं यहाँ से सोन सैमसंग के प्लेयर्स के बारे में। लेकिन याद रहे इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, रियल टेलीग्राम चैनल पर। अब रियल टेलीग्राम कौन सा भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो लिंक सिर्फ आपको रियल टेलीग्राम चैनल पर ही पहुंचाएगा। तो गाइस टेलीग्राम चैनल से वहां से आप जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की सेकंड टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं सोन सैमसंग के प्लेयर्स के बारे में। हाँ तो गाइज सोन सैमसंग की टीम की तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर हैं किम गुन हे, नाम थोड़ा सा अजीब है और ड्रीम इलेवन पर पता नहीं इस नाम को इस प्लेयर को किस नाम से दिया हुआ है, लेकिन लाइनअप आने के बाद क्लियर हो पाएगा, मैं खुद कंफ्यूज था इसको ढूंढने में। वहीं पर बात करें सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर टीम तरफ सैंग बिन जंग, 5 गोल कर चुका, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि इसको आप ढूंढ सकते हो आराम से। वहीं पर बात करें थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर टीम तरफ से मिन वो किम, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि इस तरह के नाम से 2 प्लेयर और भी हैं, तो उस कंडीशन में ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर क्योंकि ये टीम तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी कर है। ओरोस डेरिक, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस पेनल्टी कर है और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी आप मान सकते हो, और इसने रिसेंटली एक पेनल्टी में गोल किया है, तो उस कंडीशन में यहाँ से फर्स्ट चॉइस ये है और सेकंड चॉइस
पेनल्टी अगर स्टीम से मिन वो किम देखने को मिलेगा। बाकी के यहाँ से की जी मतलब की जी ली जिसने 4 गोल किए और यहाँ सेंग गी मिन जिसने 2 गोल किए और बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का एक एक गोल है। लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्यों लेना, जब खुद की एक बेहतरीन टीम बनाओगे ना इन प्लेयर्स के नाम में कन्फ्यूजन जरूर होगी आपको, तो उस कंडीशन में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन प्लेयर्स का आप रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने टिक कर दिया है और उन्हें पिक करके चल लेना। हाँ तो गाइज असिस्ट के मामले में आपके यहाँ से किम ते हवान, नाम थोड़ा सा अजीब देखने को मिलेगा ड्रीम इलेवन पर, इसका नाम मिलेगा ते हवान किम ड्रीम इलेवन पर। अगर मैं सही हूँ तो लाइक करें क्योंकि आप ड्रीम इलेवन खोल सकते हो, इसी नाम से मिलेगा ते हवान किम का नाम से। वहीं भी बात करें सेकंड हाईएस्ट गोल की जी ली जिसने गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा शियोंग ब्योंग को जो कि 3 असिस्ट कर चुका, बाकी के जो भी प्लेयर्स उन सभी का रिकॉर्ड आपके सामने है। लेकिन याद रहे लाइनअप आने के बाद जो प्लेयर की पोजीशन रहती है कि कौन सा प्लेयर अटैकिंग पोजीशन खेलेगा, कौन सा प्लेयर डिफेंसिव पोजीशन खेलेगा, उसका अनुसार जो लाइनअप रहेगी उसका अनुसार जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस मैच की जो लाइनअप रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं मुद्दे की इस मैच का स्कोर एंड प्रेडिक्शन, हमने 2 गोल यहाँ से जियोन बुक होंडाई मोटर्स रखा है, 2-0 का अकॉर्डिंग क्या रहने वाली इस मैच में जो हमारे शमोलिक टीम है ड्रीम इलेवन का, तो नजर डालते हैं सीधे ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ से कैप्टन बना के चले हम यहाँ से गुस्टावो हेनरिक को, वाइस कैप्टन जेट सेंको को पिक करके चलें, वहीं पर बात करें डेजेरिक को पिक कर चलें, किम को पिक कर चलें, तेहवान किम को पिक कर चलें, और यहाँ से यंग ली को पिक कर चलें, एस मिन क्यू को पिक कर चलें, मोडो बैरो को पिक करके चलें। ये उन प्लेयर्स का रिकॉर्ड जिनका बेहतर है फिलहाल के लिए उन सभी को अपनी टीम रख लिए हमने। लेकिन लाइनअप आने के बाद जो प्लेयर की पोजीशन रहेगी जो उसका अनुसार जो टीम रहेगी वो फाइनल टीम रहेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो याद रहे। और इस मैच की जो फाइनल टीम के साथ साथ जो आपको 10 ग्रैंड लीग टीम मिलेंगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना क्योंकि ग्रैंड लीग में हमारी जो रैंक रहती है वो काफ़ी बेहतरीन रहती है। इतना बोल सकता हूँ कि 10 टीम देता हूँ मैं ग्रैंड लीग में और उनमें से कम आपके पास 8 टीम तो विनिंग जोन में रहेंगी और 2 टीम जो आपको टॉप आप मान सकते हो 100 में क्रॉस करूँगी और एक टीम ऐसी रहेगी जो आपको टॉप 20 से लेकर टॉप 1 तक देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है ओवरऑल देखा जाए तो ग्रैंड लीग में, तो आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही रखा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का देर है, दबा दो लाल बटन।